दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.4 है, ये हमने सिंटैक्स बोर्ड की जो बुक है ये हमने वहाँ से सॉर्ट आउट किया है, और इसके इसके जो सवाल हैं इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके सोल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को एक्सरसाइज नंबर 6.4 के 1, 2, 3, 4 को डिस्कस कर लिया है, और उसमें हमने ये डिटेलें बता दिया है कि ये जो डंडी जो लगी हुई है यहाँ पर, ये इस डंडी को क्या कहते हैं, इसको मॉड्यूलस कहते हैं, और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हमने वहाँ डिटेल में बता दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को विजिट नहीं किए तो एक बार प्लीज़ उनको विजिट कर लें, तो आपको इस मॉड्यूलस या फिर मोड का या फिर एब्सोल्यूट का पता चल जाएगा कि ये क्या होती है, इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। जब ये यहाँ मोड लगा हुआ, तो आप यहाँ लगा दें बाई डेफिनेशन 1, और यहाँ लिख दें बाई डेफिनेशन 2, और यहाँ पर बीच में से बाई डेफिनेशन 1 और बाई डेफिनेशन 2 वही पैटर्न यूज़ करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में जिस तरह हम यूज़ करें, जैसे यहाँ पे 3 है, 5 है, 4 है, भी यहाँ 5 को वैसे यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिख लें आप मोड से, इसको निकाल दें, ये हो जाएगा हमारे पास, एक बार प्लस का 4 लिख दें और वाई माइनस 3 एक बार माइनस का 4 लिख लें। अच्छा, 3 इस साइड ने माइनस का, इधर आ जाएगा पॉजिटिव 4 प्लस 3, और y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप, y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, यहाँ जाएगी पॉजिटिव -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 माइनस का 1, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 7 और -1, ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये कर्ली ब्रैकेट है जो यूं करके बनाते हैं, राइट। आपको ये रिजल्ट डिस्कस करता हुआ चलूँ कि ये जो रिजल्ट है, मिसाल के तौर पे अगर आप वाई की वैल्यू इसमें 7 पुट करेंगे, तो आपके पास इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा, जब आप वाई की वैल्यू इसमें 7 पुट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव फोर, सही। अगर आप इसमें -1 पुट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा -4। तो ये जो मोड या मॉडुलस या एब्सोल्यूट जो होता है, ये क्या करता है, नेगेटिव आंसर को, मतलब कि जो आंसर पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव होते हैं, माइनस के जो आंसर होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता पॉजिटिव में। मतलब कि आपने मोड लगा दिया, तो ये जो नेगेटिव आंसर था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये तो हमने इसके रिजल्ट भी डिस्कस कर लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.4 है, ये हमने सिंटैक्स बोर्ड की जो मैथमेटिक्स की मैट्रिक लेवल की जो बुक है, हमने ये वहाँ से फाइंड आउट किया है। तो आइए सवाल के सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं और इसके सोल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में हमने डिटेल में ये डिस्कस कर लिया था कि यार मोड का क्या काम है, मोड क्या है, मोड की एप्लीकेशन, ये जो डंडी है ये इसको मोड कहते हैं या एब्सोल्यूट कहते हैं। तो वही पैटर्न हम यूज़ करेंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में यूज़ किया हमने। तो यहाँ पर मोड लगा हुआ है, तो बाई डेफिनेशन 1 और बाई डेफिनेशन 2 लगा दें, बाई डेफिनेशन 1 बाई डेफिनेशन 2। तो यहाँ पर ऐसे, अब क्या करें आप, अब ये लिखा हुआ है x+1/3 = 1, मतलब एक दफ़ा x+1/3 एक दफ़ा आपने x+1/3 को 1, मतलब +1 के साथ लिख दिया, और एक दफ़ा -1 के साथ लिख दिया। आगे चलते हैं, हमने इस, अब 3 को क्या हुआ, ये डिवाइड हो रहा, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 × 3, तो ये 3 आ जाएगा, x+1 ऐसे ही आ जाएगा, x+1 ऐसे रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 × 3, तो -1 × 3 -3, x+1 ऐसे रहेगा और x+1 ऐसे रहेगा और ये 3 ऐसे रहेगा। +1 इस तरफ आगे -1 हो जाएगा, तो 3 - 1 और x ऐसी बच जाएगा, यहाँ पर अकेला x की वैल्यू ऐसी बच जाएगी, और 1 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -3 - 1, एक्स ऐसे आ जाएगा, 3 - 1 ये हो जाएगा 2, और ये -3 - 1 ये हो जाएगा -4। तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई हमारे पास 2 और एक आ गई हमारे पास -4।
सॉल्यूशन सेट इसका हो जाएगा टू और माइनस फोर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये जो आंसर आया है टू माइनस फोर, मतलब कि ये दो आंसर कैसे आ गए एक्स के, इसको डिस्कस कर लेते हैं और ये मोड के बारे में दोबारा एक बार आपको रिव्यू दे देते हैं। तो हम ये बता मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर इस एक्सप्रेशन में, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर इस एक्सप्रेशन की बात की जाए, सिर्फ इसकी एक्स प्लस वन अपॉन थ्री की बात की जाए, इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू टू डालते हैं तो टू प्लस वन अपॉन थ्री, तो इसका आंसर आएगा आपके पास वन, मतलब एक्स की जगह टू डाल दें तो टू प्लस वन फोर, फोर अपॉन थ्री। अगर आप यहाँ पर टू प्लस वन, टू प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री अपॉन थ्री, तो इसका आंसर आएगा आपके पास पॉजिटिव वन। अगर आप यहाँ पर एक्स की जगह अगर आप माइनस फोर डालते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस वन। तो ये मॉडुलस लगा देंगे आप इधर तो ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव वन आएगा, मतलब कि प्लस का आंसर आएगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। मतलब कि मॉडुलस वहाँ लगाते हैं जहाँ जहाँ मतलब कि जैसे एज है, जहाँ पर चीज़ें नेगेटिव नहीं हो सकती, जहाँ पर आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। जैसे आपकी एज है, एज आपकी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कोई लेंथ वगैरह है तो वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कोई एरर वगैरह है, एरर भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये एब्सोल्यूट वगैरह वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा हो, तो अब ये लगाते हैं और आंसर को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सनीमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है 6.4, इसको हमने सिंटेक्स बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स की जो मैट्रिक लेवल की जो बुक है, हमने ये वहाँ से इसको उठाया है और इस सवाल के सोल्यूशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इससे पहले भी एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5 को डिस्कस किया है, तो अब एक्सरसाइज नंबर 6 हमारा मेन टारगेट है कि इस एक्सरसाइज के मेन मेन टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाए ताकि मैट्रिक लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो अपने पेपर आराम से क्लियर कर सकें। तो आइए दोस्तों, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है माइनस सिक्स प्लस मोड में प्लस फाइव, वो 5x माइनस थ्री मोड इज इक्वल टू थ्री। ये जो लंबी डंडी है, ये जो डंडी लिखी हुई है ये रही, इस डंडी को मोड कहते हैं, कुछ बच्चे एब्सोल्यूट कहते हैं। आप एब्सोल्यूट कह लें, मोड कह लें, मॉडुलस कह लें, कुछ भी कह लें आप इसको। तो ये मॉडुलस का साइन होता है, मॉडुलस का सिंबल है ये। तो अब क्या करेंगे, इस माइनस सिक्स को पहले उधर कन्वर्ट कर लें आप। तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड, तो पहले ऐसे आ जाएगा 5x माइनस थ्री और थ्री प्लस सिक्स, क्योंकि माइनस सिक्स इज राइट साइड जाएगा इज इक्वल टू के, तो प्लस सिक्स हो जाएगा। थ्री प्लस सिक्स ये हो जाएगा नाइन, 5x माइनस थ्री मोड के अंदर आ जाएगा। अब आप वही काम करें जो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंदर करते हुए आ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.4 के जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक डिस्कस किया है, हम वही पैटर्न यूज़ करेंगे। वही पैटर्न क्या था हमारे पास, बाई डेफिनेशन 1, बाई डेफिनेशन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस के अंदर 5x माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन, और ये हो जाएगा 5x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस नाइन, मतलब सॉरी मोड मोड से निकाल देंगे बाहर इसको, सॉरी ये हो जाएगा 5x माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन, 5x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस नाइन। मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को एक मरतबा 9 के इक्वल लिख दें प्लस 9 के, और एक मरतबा माइनस 9 के। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस 9 के इक्वल लिख दिया और एक बार माइनस 9 के इक्वल लिख दिया। सही, आगे चलते हैं। ये 3 यहाँ पे माइनस का है, उस तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 9 प्लस 3 और 5x ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर ये 5x है, इस माइनस 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और 9 ऐसे ही आ जाएगा। 5x को कॉपी डाउन कर लें, माइनस 9 प्लस 3 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6, और 9 प्लस 3 आप ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 12 अपॉन 5, और ये एक्स 5 है, 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू -6 अपॉन 5। तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इन दो वैल्यूज़ को आप सोल्यूशन सेट में लिख दें। तो द सोल्यूशन सेट
सॉल्यूशन साइड इसका आ जाएगा हमारे पास 12 अपॉन 5 कॉमा माइनस 6 अपॉन 5। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है जो हमारे पास सवाल था। इस सवाल के हमने जो एक्स की दो दो वैल्यूज़ निकाल ली, दो पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल ली, मतलब कि जब आप इस सवाल में 12 अपॉन 5 को यहाँ पे डालेंगे, इसमें डालेंगे, तो इस पूरी लेफ्ट साइड वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड वाली अब लेफ्ट साइड को पूरी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, जब 12 अपॉन 5 डालेंगे एक्स की तो आपका आंसर आएगा प्लस का 3 आ जाएगा, और जब आप इसमें माइनस 6 अपॉन 5 डालेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस 3, मगर मोड लगाने की वजह से वो भी प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने इसी चीज़ को रिजल्ट को डिस्कस किया है, तो वही सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई होगी। अगर आपने वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 को अगर आपने विजिट नहीं किया तो एक बार आप उसको भी देख लें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट को किस तरह डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.4 है ये हमने सिन बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की मैट्रिक लेवल की, ये हमने वहाँ से कॉपी करके इसको अब इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सवाल अभी कॉपी किया है, उसके बाद अब इसके सोल्यूशन को मतलब के देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या आता है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इस सवाल को हमारे पास लिखा हुआ है कि यहाँ पे मोड के अंदर 3x-4=22, डायरेक्ट मोड दिया हुआ है, तो अब इसको कोई फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, वरना क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे यहाँ पर एक टर्म थी तो इस टर्म को पहले सॉल्व किया था हमने। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 विजिट नहीं किया है तो आप एक बार उसको विजिट कर लें तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर कि बाय डेफिनेशन 1 और यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन 2, यहाँ पे बीच में ऐसे लगा देंगे। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 3x-4 को 22 के इक्वल करेंगे। पहली बार 3x-4=22, मोड का साइन हटा देंगे और एक बार 3x-4-22 इक्वल कर देंगे। एक बार आगे चलते हैं, इस 4 को उस साइड लेके जाएंगे मतलब राइट साइड लेके जाएंगे, तो 22+4 हो जाएगा और 3x ऐसी कॉपी डाउन कर लेंगे, -4 उस साइड लेके चले आएंगे तो माइनस ये हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 3x आ जाएगा। 22 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 26 और 3x यही लिखा रहेगा। 22 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 18 और 3x। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 3x के बराबर आ जाएगा और ये आ जाएगा x और -18 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको तो ये जाएगा हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा, मतलब कि 3 1 से हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो सकता तो ये हमारे पास यही आ जाएगा। इसका डायरेक्ट हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे, द सोल्यूशन सेट इज 26 अपॉन 3, -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अगर अब इसके सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमारे पास 26 अपॉन 3 है, हमने इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मतलब इस वाली लेफ्ट साइड में जो x है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो हमारे पास ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हम अगर x की वैल्यू 26 अपॉन 3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस का 22, मतलब कि आपका आंसर आएगा पॉजिटिव 22। अगर आप माइनस का 6 इसमें पुट कराएंगे तो आपका आंसर आएगा -22, मगर मोड लगाने से या एब्सोल्यूट लगाने से आपकी वैल्यू वो माइनस की वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवेन है, मोड ऑफ 2x+1/7 मोड इज इक्वल टू 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मोड को हटाएंगे तो फिर यहाँ पर लिखेंगे बाई डेफिनेशन 1 और फिर यहाँ पर लिखेंगे बाई डेफिनेशन 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाई डेफिनेशन 1 और यहाँ पर हम लिखते हैं बाई डेफिनेशन 2।
और यहाँ पर इस तरह इसको सेपरेट कर लेते हैं। बाय डेफिनेशन वन में आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को उठाएंगे और इसको वन के इक्वल कर देंगे इस तरह, 2x + 1 इज अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। एक दफ़ा आप 2x + 1 अपॉन 7 को प्लस 1 के बराबर लिखेंगे और एक दफ़ा आप 2x + 1 अपॉन 7 को -1 के इक्वल लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ से इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए दोस्तों इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 1। 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 7 × 1 7 × 1 ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 2x + 1 एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे। उसके बाद अब इस 1 को आप इज इक्वल टू के राइट साइड भेज दें, तो आपके पास ये 1 प्लस का था तो ये 1 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो 7 और 1 इस तरफ आएगा तो -1, क्योंकि ये इस साइड यहाँ पर प्लस का था, और 2x ऐसे ही कॉपी डाउन कर लेंगे। 7 से 1 को माइनस कराएंगे तो आंसर आपके पास आएगा 6 और 2x यूं ही कॉपी डाउन कर लेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो जब इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6/2। 2 से ये कैंसिल आउट और इसका आंसर आएगा 3 और x की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद से अब यहाँ से भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ ये 7 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्सप्रेशन ऐसी हो जाएगी 2x + 1 - 1 × 7। -1 × 7 ये हो जाएगा हमारे पास -7 और ये 2x + 1 ये ऐसी रहेगा, ये 1 उस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -7 - 1 और ये 2x ऐसी रहेगा, -7 - 1 ये हो जाएगा हमारे पास -8 और 2x ऐसी कॉपी डाउन कर लेंगे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा x = -8/2। 2 से ये और ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये रहेगा x = -4। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई हमारे पास +3 और एक हमारे पास है -4। तो आप 3 को और -4 को कर्ली ब्रैकेट में लिख लें, तो वो कर्ली ब्रैकेट में लिखने को कहते हैं हम सॉल्यूशन सेट। तो आइए दोस्तों इसको उठाते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। ये जो x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू -4 है, इसको आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लें, 3 और -4। इससे पहले आप इसको कह दें ये सॉल्यूशन सेट है, तो सॉल्यूशन सेट, द सॉल्यूशन सेट इज, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।